फाइनली मेरा 71.5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया गाइस। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको वेडिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और एडिटिंग का टिप्स और ट्रिक मिल सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। सो गाइस, मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। तो गाइस, आज के फोटोशॉप की क्लास पे हम एक प्री वेडिंग फोटो के एडिटिंग के ऊपर देखेंगे कि आप सिंपली उसको कैसे करके एडिट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा ट्यूटोरियल है, यहाँ पर आप सीख पाएंगे कि आप खुद कैसे एक इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर अपना फोटोशॉप को ओपन कर रखा है। यहाँ पर एक इमेज हमारा ऑलरेडी ओपन है। तो ये हमारा एक क्लाइंट का फोटो है जिसको मैं अभी एडिट करूंगा। तो मैं सिंपली कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद सिंपली फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर पे इस इमेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज ऑलरेडी एडिटेड है। मैंने इसको थोड़ा सा एडिटिंग पहले कर रखा था, क्योंकि ये जब क्लाइंट के जब शूट हुआ उसके बाद मैंने इसको एडिट किया था। तो गाइस, आज मैं इस एडिट के ऊपर एक अलग लेवल का एडिटिंग दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीज से हम शुरू करते हैं, जैसे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट और ब्लैक। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो बेसिक्स हैं और इसको आपको अगर मैंडेटरी नहीं है तो आपको करना जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इमेज में करना है तो कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को ले लेता हूँ इमेज पे। देखिए, मैं यहाँ पे +0.10 रख रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट को भी आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करता हूँ, -8, -6 पे रखता हूँ। शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, हाईलाइट को इमेज पे कम कर दूंगा। ठीक है, शेडो को और इंक्रीज कर दूंगा, हाईलाइट को कम कर दूंगा। एक बेसिक सा चीज़ था मैंने करा। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा वाइट को कम कर दूंगा। ठीक है, देखिए वाइट को मैं थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ अपने में से और ब्लैक को बढ़ा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वाइट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को दिखाई देगा कि मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। अब सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, देखिए यहाँ पर टेक्स्चर क्लियरिटी और डिहेज है। तो मैं यहाँ से क्लियरिटी को इंक्रीज कर दूंगा, लगभग कर दूंगा थोड़ा सा इंक्रीज, लगभग +13 इंक्रीज कर देता हूँ। वाइब्रेंस को इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ से सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, देन अब सिंपली यहाँ पर आते हैं। यहाँ से आने के बाद आपको सिंपली रेट बनाना पड़ेगा। मैं इस पार्ट को ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा पकड़ के, और थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। देखिए, ज़्यादा नीचे हो जाने से अच्छा नहीं लगे, तो आप थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बिफोर है और ये हमारा आफ्टर इमेज है। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से एडिटिंग करा है। अब हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। सिंपली यहाँ पर डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स में आने के बाद आपको क्या करना है, अपने इमेज को एक मतलब स्किन में स्मूथनेस साथ में सारा कुछ अगर आपको लाना है तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे शार्पनेस को आप लगभग 60 के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, लूमिनस को मैं रखूँगा 50 के आसपास। ओके, ये देखिए हमारा 50 और यहाँ पे लूमिनस का डिटेल्स जो है वो 50 ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो 50 रहने देते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट को भी 50 कर देते हैं और कलर को भी 50 कर देते हैं, कलर को भी हम 50 कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये जब सेटिंग हो जाता है तो आप इमेज को देख सकते हैं किस टाइप से इमेज स्मूथ हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा इमेज किस टाइप का था और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये स्किन स्मूथ और बाकी सारा चीज़ हो गया है। तो गाइस, अब आगे की प्रोसेस को देखते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ से सैचुरेशन लेवल पे आता हूँ। सैचुरेशन पे आने के बाद मैं यहाँ से ऑरेंज का टोन को 1+1 करूँगा, +1 या 2 पे रखूँगा, +2 पे रखता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये मतलब यहाँ पे जो ये लेडीज़ हैं इनके ड्रेस पे ऑरेंज कलर एक्टिव है। उसके बाद हम रेड कलर को भी इन्हेंस कर देंगे, थोड़ा सा रेड बढ़ा देते हैं अपनी इमेज से कि हमारा ये रेड अच्छा लगे। उसके बाद मैं यहाँ से ग्रीन को कम कर दूंगा और येलो को भी थोड़ा सा कम कर दूंगा। आप देख सकते हैं इमेज को, ये देखिए हमने यहाँ से ग्रीन और येलो को कम करा। ठीक है, देखिए इतना कम कर लिया, परफेक्ट। यहाँ से आप एक्वा को भी कम कर सकते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू टोन जो है, ब्लू टोन उनका ड्रेस पे है तो उसको एक्टिव रखेंगे। जैसे मैं इतना बढ़ा देता हूँ। ओके, लुमिनस पे आके मैं ऑरेंज का 1+1 या 2 पॉइंट इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा स्किन कलर इफेक्टेड हो रहा है। ओके, तो ये करने के बाद आप यहाँ से ब्लू का कलर को और डाउन भी कर सकते हैं, जैसे लड़का का जो ड्रेस है वो और हो जाए। अब यहाँ पे हमें यूवी पर आ जाना है। यूवी पर आने के बाद येलो को पूरा इस टाइप का येलो पे ले जाना है, माइनस में लगभग इतना रखा हूँ। ये आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रीन को भी हम इस टाइप से शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है बिफोर और ये हमारा आफ्टर। यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग ही अप्लाई करा, उसके बाद एफएक्स पर आ जाना आपको, एफएक्स को आप डाल सकते हैं ऐसे करके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हेवी रखूँगा इसका वैल्यू, क्योंकि मुझको इमेज को साइड से थोड़ा डार्क टोन देना है। ओके, तो ये हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इमेज को। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आपका इतना सेटिंग परफेक्ट है, जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरा ये सेटिंग परफेक्ट है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रीसेट पे आता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको अभी करना है सेव सेटिंग करना है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ केजी प्रीवीडिंग 1 के नाम से। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया। तो हमारा जो ये इफेक्ट था वो टोटली इमेज पे अप्लाई हो चुका है। अभी मैं अगर इसको आफ्टर बिफोर करके देखा हूँ, जूम कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये हमारा बिफोर है, ये हमारा आफ्टर है, ये देखिए, ये टोटल एडजस्टमेंट है। तो गाइस ये सिंपल सा प्रोसेस था जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में इस अगर मैं सेम प्रीसेट को फिर से कोई दूसरे इमेज पे अप्लाई करके दिखाऊं, जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं ये दो तीन इमेज को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला एक इमेज है, मैंने यहाँ से तीन इमेज को उठाया और ये तीनों हमारा प्री वेडिंग का फोटोशूट का इमेजेस है। अगर आपको हमारा फोटो अच्छा लगता है वेडिंग के लिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कृष्णा गैलरी वेडिंग्स के नाम से। अभी सिंपली मैं जो प्रीशेट बनाया था वो अभी भी यहाँ पर है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ भी सेम मैं उस प्रीशेट को अप्लाई करूँगा तो ये देख सकते हैं। इसमें भी अगर हम करने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस ये प्रीशेट आपको बहुत ही यूनिक एक एबिलिटी देगा इमेज पे, बहुत ही आपका इमेज परफेक्ट दिखेगा। तो ऐसे करके आप अपने इमेज को कलर ग्रेड करके एक यूनिकनेस ला सकते हैं अपने एडिटिंग पे और अपने एडिटिंग स्किल को और अच्छा कर सकते हैं। सो गाइस अभी तो हमारे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप मुझको कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, सब बताएं। तो चलिए आज का वीडियो शेष करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।